बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अनायस किचन में आप सबका मैं वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आज हम आपसे जो इनकी जो रेसिपी मैं बना रही हूं वो आपसे मैं शेयर कर रही हूं। चपली कबाब आज हम बना रहे हैं, बीफ चपली कबाब, और बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके इन्ग्रीडियंट आप देख लीजिए, मैंने इसमें 1 kg जो है बीफ का कीमा लिया है, और इसके अलावा सॉल्ट मैंने 1 teaspoon डाला है इसमें मैंने सॉल्ट। इसके अलावा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 teaspoon। इसके अलावा ये है मकई का आटा है, ये 2 tablespoon इसमें जाएगा। इसके अलावा मैंने अनियन 1 onion लिया है, 2 tomatoes कट करके डाले हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है इसमें। जिंजर गार्लिक आप कट करके डाल दें, मैंने कट करके डाला है इसमें, और जिंजर को मैं पेस्ट इस जिंजर का पेस्ट डाला है, और लहसुन जो गार्लिक है उसको कट करके डाला है। इसके अलावा अनारदाना 1 teaspoon, क्रश चिली 1 tablespoon, और जो है क्रश कोरिएंडर पाउडर वो हमने 1 teaspoon लिया है। इससे जायका बहुत, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा 1 tablespoon इसमें मैंने, वैसे घी डलता है और चर्बी का भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास अभी हम लोग के घर में वैसे भी नहीं खाते घी वगैरह, तो मैंने ऑयल 1 tablespoon डाला है। इसके अलावा पिसा हुआ गर्म मसाला 1 teaspoon, क्रश चिली, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, और सॉल्ट इसमें डाला है, और कोरिएंडर लीफ, ग्रीन चिली, ये सब मैंने इसमें डाली हैं। और इसको हम मिक्स करके चपली कबाब बनाते हैं, और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, गुड कमेंट्स दीजिए, और आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और चूँकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, तो ज़रा टाइमिंग का बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है किचन में, इस वजह से मैं सेपरेट आपको जो चीज़ें हैं उसमें बड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन ये है कि मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ रेसिपीज़ वगैरह, तो ये प्लीज़ काइंड इसमें ये देख लीजिए जो मैंने रेसिपी आपको नोट डाउन करवाइए, और साथ साथ इसकी चपली कबाब बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर के हवाले से डेली आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और आलू बुखारा इमली का शरबत बनाएं, आप वाटर मिलन का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ज़्यादा लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा लस्सी पिएं, दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके देखें बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी है, और गर्मी में बच्चों के लिए, और ये ड्रिंक्स का जितना जितना लिक्विड इस्तेमाल आप करेंगे तो, और ये चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। अब इसको फ्राई करके फिर मिलते हैं आपसे।